आपके भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जो है ऑल डाटा नहीं दिख रहा है, आपको भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही, जो लोग मतलब जो पिछले ऑनलाइन आपने किए थे वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे उनको निकालेंगे, कैसे आप उनका ऑल डाटा देखेंगे, ये अब हम आज की वीडियो में पूरा आपको बताने वाले हैं दोस्तों। क्या क्या इसमें दिख रहा है ऑल डाटा में आपको दिखाई देगा कि किन किन लोगों का सर्टिफिकेट निकल सकता है भी, ये भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हमारी वीडियो को अगर चैनल पर अभी नए हैं आप तो एक जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा डाटा इसमें आप पुरानी जो है आपने जो अप्लाई की थी जाते या निवास उनका देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि मैं ई डिस्ट्रिक्ट के होम पोर्टल पर हूँ, ये मेरी आईडी है दोस्तों, यहीं से मैं जो है अपने फॉर्म अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर जो आते हैं इनबॉक्स में, तो इनबॉक्स में आप देखेंगे ऑल डाटा, तो ये भी खुलता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि हमने कास्ट पर ही सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से शो किया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। हम इनकम भी देख लेते हैं, यहाँ पर शो करता है नहीं, यहाँ पर भी इनकम भी नहीं, और डोमेसाइल भी चेक करते हैं, कोई हमें डाटा शो नहीं कर रहा है दोस्तों, कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आते हैं पेंडिंग एप्लीकेशन में, क्योंकि हमारे दोस्तों कुछ पेंडिंग एप्लीकेशन भी पड़े थे, तो उन्हें देखते हैं वो शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पेंडिंग एप्लीकेशन भी हमारे कोई भी शो नहीं कर रहे हैं, कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं शो कर रहा है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कैसे आप पुराना डाटा देखेंगे कि किन किन लोगों को आप जो है फॉर्म अप्लाई किया था, जिनको आपको निकाल कर देना है, क्या आप उनका क्या क्या डिटेल उनकी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये बता दूं, अभी तक तो पुराना डाटा पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो है देख सकते हैं, उनका नाम देख सकते हैं, उनका जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं कि उनका जो है क्या आवेदन नंबर है, तो उसको देखने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं EMIS दोस्तों, EMIS रिपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ एक ऑप्शन आप आ जाएंगे EMIS ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे, देख सकते हैं 2008 से 2023 तक का जो भी हमारी आईडी पर काम हुआ है, जो भी हमने फॉर्म अप्लाई किए हैं, सारा डिटेल यहाँ पर शो करेगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं आय निवास जात सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही हैं, जितने जितने हमने बनाए हैं सारा कुछ, जितने बन गए हैं वो भी शो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हम बता दें आपको, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ कि आप किन लोगों का फॉर्म जो है अप्लाई किया था, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप हाल ही में किन लोगों का फॉर्म अप्लाई किया था, उनका प्रमाण पत्र बन चुका है या अभी नहीं ही बना है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये फार्म हमने जो है 2021 में किया था, लेकिन हमें जो है अभी जल्द का ही देखना है जो हमने पिछले में किया है, जिन्हें हमें निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम प्रकाश किशोरी लाल, जो जो है एक 12 का दोस्तों ये है, लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, लिखा हुआ कि आपका जो है कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, यानी कि आपका बन चुका है। तो आप उनका उन लोगों का देख सकते हैं जिनका आपने अप्लाई किया था, कि उनका प्रमाण पत्र बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो इस प्रकार से आप पेज को आगे बढ़ाकर उनकी डिटेल कुछ देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें अभी कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया गया है, यही डाटा केवल अपलोड किया गया है जिसे आप देख सकते हैं आसानी से। बाकी और अगर जो अदर डाटा आपने देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी नहीं हो पाएगा इसके लिए, क्योंकि केवल इतना ही डाटा अपलोड किया गया है, इसके अलावा अभी कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया गया है हमारा। जब ये अपलोड किया जाएगा तो आपकी जो है यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अभी यहाँ से अगर जो आप कोई नंबर भी कापी करते हैं, जैसे कि ये मैं 12 वाला जो है कापी करता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पर आपको दिखाते हैं स्टेटस में जाकर, चेक स्टेटस पर से यहाँ से जब हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें नॉट अथॉरिटी दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा जो जो है डाटा भी आईडी पर डाला नहीं गया, जिसके लिए हमें अथॉरिटी नहीं है इसे प्रिंट करने की। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप आते हैं ए सी के रिसिप्ट, इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर हम आप डालते हैं इस नंबर को और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर प्रिंट करते हैं, यहाँ पर लिख करके आपको दिखाई देगा नो डाटा फाउंड, यानी कि दोस्तों कहीं भी आपको उसके अलावा EMIS के अलावा EMIS के अलावा आपको कहीं भी जो है अदर रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप केवल जो है केवल उन लोगों को देख सकते हैं कि किन लोगों का आपने फॉर्म किया था, उनका क्या नंबर है,
जो है एप्लीकेशन नंबर वो देख सकते हैं दोस्तों, उनका प्रमाण पत्र बन चुका है या फिर नहीं बन चुका है ये भी दोस्तों देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।